दोस्तों, अगर आप भी अर्शदीप आवेश खान रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अर्शदीप आवेश की खतरनाक गेंदबाजी के आगे टूटकर बिखर गई अफ्रीकी टीम, तो अब तो दिग्गजों ने भी इनकी रफ्तार को सलाम ठोक दिया है। दोस्तों, डेल स्टेन से लेकर एबी डिविलियर्स, कोहली रोहित से लेकर मैक्सवेल ने इन दोनों खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर आपको भी कानों पर विश्वास नहीं होगा। आखिरकार इन सब दिग्गजों ने क्या क्या कहा अर्शदीप आवेश की मैच विनिंग गेंदबाजी पर, हर किसी के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और पांड्या में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अफ्रीका की सरजमीं पर वो हो गया जैसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 में सभी टीमों की नींदें उड़ाने वाली अफ्रीका की टीम अपने घर में भारत के हाथों इतनी बुरी तरीके से पिट जाएगी, किसी ने सोचा तक नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि वनडे सीरीज का आगाज आज से जोहानसबर्ग के मैदान से शुरू हो चुका है। केएल राहुल टीम के कप्तान हैं, तो बड़े से बड़े खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जैसे कि सैमसन टीम वापस आए हैं और श्रेयस अय्यर। तो वहीं दोस्तों, आवेश खान और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी की कमान को संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, टीम में शुभमन गिल और सूर्य जैसे खिलाड़ी हैं ही नहीं। फिर भी दोस्तों, सबको लग रहा था कि इस बार जीत आसान नहीं होगी। एक तो वर्ल्ड कप में हमारी हार हुई है, ऊपर से वर्ल्ड कप में अफ्रीका का प्रदर्शन काबिले तारीफ था। लेकिन कहते हैं ना कि मैदान में अक्सर वो होता है जो सोचा नहीं जाता। आज भी दोस्तों कुछ वैसा ही हुआ। अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी तो चुन ली, लेकिन शायद वो भूल चुके थे कि भारतीय गेंदबाजों का सामना कैसे करना है, खास तौर पर अर्शदीप सिंह और आवेश खान का। दोस्तों, मैदान में आते ही ना अर्शदीप सिंह ने पारी के दूसरे ओवर में सबसे पहला चमत्कार किया। रीजा हेनरिक्स को जीरो पर तो क्लीन बोल्ड किया ही, साथ ही वेंडे ड्यूसन को भी जीरो पर आउट कर दिया था। और इसके बाद भी अर्शदीप का तूफान रुका नहीं, लेकिन इस पार्टी में उन्हें ज्वाइन किया आवेश खान की रफ्तार ने। दोस्तों, आवेश खान ने भी आज मार्करम को क्लीन बोल्ड किया 12 रन पर। इसके बाद डेविड मिलर को 2 रन पर कैच आउट कराने वाले भी आवेश खान थे। मुलर नाम के खिलाड़ी को भी जीरो पर एलबीडब्ल्यू करने वाले भी आवेश खान ही थे। और दोस्तों, टोनी नाम का खिलाड़ी जो 22 गेंदों में 28 रन लगा चुका था ना, वो भी अर्शदीप के हत्थे चढ़ गए थे। कुल मिलाकर आज पूरा का पूरा दिन अर्शदीप और आवेश का ही रहा। हमने पूरी अफ्रीकी टीम को 116 पर ही निपटा दिया था, और सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे दोस्तों, जिन्होंने वनडे में अपना मैडन 5 विकेट हॉल दर्ज किया। तो वहीं आवेश के नाम भी 4 विकेट रहे और 1 विकेट कुलदीप यादव अपने नाम करा गए। दोस्तों, भारत की गेंदबाजी कमाल की है और मुकाबले में हमें जीतने से कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन इस मैच विनिंग गेंदबाजी पर मैक्सवेल से लेकर बाकी दिग्गज क्या बोले हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें, एबी डिविलियर्स ने कहा, जोहानसबर्ग के मैदान में मैंने खुद बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन आज तक ऐसी गेंदबाजी और आंकड़े कभी नहीं देखने को मिले। ये केवल भारतीय खिलाड़ी ही कर सकते हैं। अर्शदीप और आवेश खान, आपको बहुत बहुत मुबारक इस बेहतरीन गेंदबाजी व सफलता के लिए। उम्मीद है आप ऐसे ही चमकते रहे। वहीं दोस्तों, डेल स्टेन ने भी कहा, अगर इतनी अच्छी गेंदबाजी कभी साउथ अफ्रीका करती तो हमें वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक पाता। अर्शदीप और आवेश ने वाकई में कमाल किया है, तारीफ तो उनकी बनती है। भले हम इस मैच में हारे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने दिल जीत लिया आज। दोस्तों, विराट कोहली का भी कहना था, अगर ऐसे गेंदबाज हमारी टीम में हैं, तो मतलब कि भारत का भविष्य तो पूरी तरीके से सिक्योर है। बस अब चाहता हूं कि यही गेंदबाज आगे चलकर भारत की बागडोर को ऐसे ही संभाले और सीरीज भी हमें जिताकर ही लौटे। दोस्तों, रोहित शर्मा का भी कहना था, आज जब टीवी ऑन किया तो केवल और केवल विकेट्स गिरते हुए दिखे, और आवेश खान और अर्शदीप की इस गेंदबाजी को पूरा क्रेडिट जाता है। अगर हम इस मैच में जीते भी ना, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट इन गेंदबाजों को ही जाना चाहिए जीत का, क्योंकि इतने कम रन पर वनडे में रोकना किसी को भी आज की तारीख में असंभव है, जबकि वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। तो वही दोस्तों, मैक्सवेल तक ने कहा, ऐसी गेंदबाजी एक लंबे अरसे से नहीं देखी हमने, वो भी साउथ अफ्रीका की जमीन पर तो कतई नहीं। अर्शदीप और आवेश में वाकई में बहुत लोहा है उनकी गेंदबाजी में, मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में वो इससे भी बेहतर करेंगे। दोस्तों, अर्शदीप और आवेश ने तो पूरे मैच को एक तरफा बना दिया है। फिलहाल आप इन सभी की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।